हेलो गाइस, वेलकम टू प्यूस पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 12 जून, 10 जून, 18 जून या 14 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 जून। कब मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस? 14 जून को। ठीक है, 12 जून को क्या मनाते हैं देख लेते हैं। तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस क्या मनाते हैं? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ठीक है, और देखते हैं इसमें 10 जून को क्या मनाते हैं। तो विश्व भूगर्भ दिवस 10 जून को मनाते हैं। ठीक है, 18 जून को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? ऑप्शन है ब्लड स्मॉल क्वांटिटी इज टुगेदर विथ अलाइंग नेचर, बी ब्लड प्लाज्मा इन हेल्थ द नेचर ऑफ यूनिफाइड वर्ल्ड, सी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, और डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में की जाती है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, बांग्लादेश, मध्य प्रदेश। इसमें कोई देश नहीं है, तो देश यही है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है राजधानी इसकी? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? यहाँ की मुद्रा है रुपया। यहाँ की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी रुपया। ठीक है, भारत में क्या हुआ था इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। शादी के विषय में भारत में 1978 में तय किया गया था। भारत में 1978 में तय किया गया था क्या? 1978 में यह तय किया गया था कि लड़कियों की जो उम्र होगी वो कम से कम लड़कियों की उम्र शादी की 18 वर्ष की होगी। ठीक है, और लड़कों की कितनी होगी? लड़कों की 21 वर्ष की होगी। लड़कों की उम्र कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। 1978 में तय किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ अभी हाल ही में? बाल विवाह निषेध संशोधन बिल। ये बिल आया है, अभी एक्ट नहीं बना है। इसमें क्या कहा गया है कि ये कब आया है? 2021 में। ये 2021 में आया है। और इसमें क्या कहा गया कि लड़कियों की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर, लड़कियों की यानी फीमेल्स की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया जाएगा? तो वो 21 वर्ष कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से पारित अभी नहीं हुआ है, ये अभी लोकसभा में सिर्फ प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब बाल विवाह निषेध संशोधन बिल देख लिए। अब देख लेते हैं बाल विवाह रोकथाम अधिनियम ये कब आया है? तो ये आया है 1929 में। और एक और है, बाल विवाह प्रतिषेध या निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम ये कब आया है? तो ये आया है 2006 में। कब आया? 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चेन्नई। चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया। ठीक है, देखते हैं कुछ इसके बारे में। तो चेन्नई में जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। पहला कौन सा है? पहला मुंबई है। ठीक है, अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे? अहमदाबाद को। कोलकाता है, कोलकाता को क्या कहते हैं? तो सिटी ऑफ जॉय कहते हैं कोलकाता को। और हैदराबाद को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निजाम का शहर। क्या? निजाम का शहर या मोतियों का शहर? निजाम का शहर या मोतियों का शहर भी इसको कहते हैं, मोतियों का शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरीन आयोजित किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े जो कुछ जो एक्सरसाइज किए जाते हैं वो देख लेते हैं। एक है कोप इंडिया। क्या है कोप इंडिया? कोप इंडिया ये किसके किसके मध्य किया जाता है? तो ये किया जाता है 2023 का जो अभ्यास हुआ, कोप इंडिया 2023 का अभ्यास हुआ, ये किसके किसके मध्य हुआ? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। भारत और अमेरिका के मध्य, भारत प्लस अमेरिका, अमेरिका के मध्य हुआ है। ठीक है, एक है स्लाइनेक्स। क्या है स्लाइनेक्स? स्लाइनेक्स ये भी 2023 में हुआ है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच होता है ऐसे भी। ठीक है, एक है कोंकण। कोंकण कोंकण ये किसके, ये 2023, ये भी 2023 में हुआ है। लगभग सभी 2023 में होते हैं, मतलब हर साल होते हैं। और ये किसमें है? भारत किसमें किसमें हुआ है? भारत और इंग्लैंड के साथ हुआ है। भारत प्लस इंग्लैंड के साथ हुआ है। ठीक है, एक है एमपीएक्स। एमपीएक्स सैन्य अभ्यास ये है, ये किसके साथ हुआ है? भारत और जापान के साथ। ये भी 2023 में हुआ है, 2023 में हुआ है, भारत और जापान के साथ, भारत प्लस जापान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर में नो हॉर्निंग डे मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मुंबई या फिर त्रिपुरा। तो नो हॉर्निंग डे कहाँ मनाया गया है? तो ये मुंबई में मनाया गया है। ठीक है, मुंबई में मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है? तो ये 14 जून, 14 जून 2023 को मनाया गया है। किसके द्वारा? मुंबई पुलिस के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा ये मनाया गया है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। तो भारत की जो पहला ट्रेन था, भारत का पहला ट्रेन, भारत का पहला ट्रेन, भारत का पहला ट्रेन भी मुंबई से चला था। पहला ट्रेन कहाँ से? मुंबई से थाने चला था। मुंबई, मुंबई से थाने चला था भारत का पहला ट्रेन। ठीक है, कब चला था? तो ये चला था 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1953 में। ठीक है, 1953 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करीब करीब 34 किलोमीटर के आसपास ये चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। किस विश्वविद्यालय ने 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू किया? ऑप्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि हिंदू अध्ययन केंद्र का शुरुआत किया गया है। हिंदू अध्ययन केंद्र से कुछ, हिंदू से रिलेटेड कुछ जुड़ा हुआ अधिनियम देख लेते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम एक है, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम ये कब आया है? अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, तो ये कब आया है? 1955 में आया है। ये कब आया है? 1955 में। ठीक है, और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? हिंदू मंदिर तो वो है अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। और ये कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया में, कंबोडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा की है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? हरियाणा। जो भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित रहेगा हरियाणा के राज्य का, तो वो है सो अपने लोगों को क्या देंगे? 10,000 रुपया हर महीने एज ए मासिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो एक होता है पद्म पद्मश्री। क्या होता है? पद्मश्री। ठीक है, एक होता है उससे, ये पद्मश्री ये सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण इससे बड़ा होता है। पद्मश्री सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ऐसे नहीं लिखता हूँ। ठीक है, पद्म भूषण ये छोटा हो गया, ये उससे थोड़ा बड़ा हो गया। एक होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण ये उससे भी बड़ा हो गया। और एक होता है भारत रत्न, भारत रत्न ये सर्वाधिक, सर्वोच्च नागरिक, सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक भारत का पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सबसे बड़ा ये है। ठीक है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जो भारत रत्न है, ये जो है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 1954 से चालू किया गया, 1954 से प्रारंभ किया गया।
और इसी के साथ है पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जाने लगा। पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार, ये वाला पुरस्कार पद्म विभूषण भी इसी के साथ 1954 में ही, पद्म इसको अलग से लिख देते हैं, विभूषण, विभूषण 1954 से ही ये भी स्टार्ट किया गया। कहा गया कि इसमें इसमें तीन तरह के होंगे और इसमें बटाया जाएगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, 8 जनवरी 1955 में, 1955 में क्या कहा गया कि अब जो है ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार है इसी में तीन होगा, ठीक है, इसी में तीन होगा। और वही तीन निकल कर कौन कौन आया, तो सबसे पहले एक पद्म विभूषण आया, एक पद्म विभूषण आया, ठीक है, दूसरा पद्म भूषण आया और तीसरा पद्मश्री आया, ठीक है। तो यही है, तो कहा जाएगा कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई है, तो 1954 से की गई है, भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 से। लेकिन कहा जाएगा पद्मश्री पद्मभूषण कब की शुरुआत कब से हुआ है, तो मुख्य रूप से ये 8 जनवरी 1955 से ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए के प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना, कौन सा शेयर, कौन सा 1 लाख रुपए का एक स्टॉक बन गया है, कौन सा शेयर, एमआरएफ का, सीआरएफ का, सीएट का, या टाटा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमआरएफ का है, जो जो शेयर का एक एक से एक एमआरएफ शेयर के स्टॉक का प्राइस जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 लाख के आसपास अभी पहुंच गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत का सबसे महंगा शेयर यही है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टॉक है, तो ये जो शेयर है, स्टॉक है, इस सबको नियंत्रण कौन करता है, इस पर निगरानी कौन करता है, तो सेबी इस पर नियंत्रण और निगरानी करता है, सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है इस पर निगरानी करता है और बनाए हुए रखता है अपना नियंत्रण, ठीक है, सेबी, ठीक है। सेबी के बारे में कुछ देखते हैं, तो सेबी का जो है स्थापना कब हुआ था, स्थापना स्थापना जो सेबी का हुआ था तो उसको 1988 में स्थापना हुआ था, और कहा जा सकता है कि इस पर नियंत्रण जो पाया है तो वो नियंत्रण या फिर वैधानिक निकाय, नियंत्रण या वैधानिक निकाय के रूप में कब आया है, वैधानिक निकाय के रूप में कब बना, वैधानिक निकाय के रूप में उभरा, तो ये कब आया है, तो 12 अप्रैल 1992 को, 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है। तो वैधानिक रूप, वैधानिक निकाय के रूप में कब बना है ये, तो 12 अप्रैल 1992 को, और स्थापना इसका कब हुआ था, 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया, ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, ईरान, या अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ पाकिस्तान, क्या राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान है। सो रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया, मतलब लेना शुरू कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है क्या है, इस्लामाबाद, क्या है, इस्लामाबाद। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, नुगत्रुम, नुगत्रुम, यहाँ की जो मुद्रा है वो है नुगत्रुम। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल, ठीक है। अंटार्कटिका क्या है, तो पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप, अंटार्कटिका क्या है, पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप, दक्षिणतम महाद्वीप। चलिए इसी के साथ आज का दोस्त सेशन है जो खत्म होता है, कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।